बहुत बड़ी खबर आ रही है बिहार से। वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हो गया है। बिहार के दरभंगा में घर में हत्या हुई है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई है। बड़ी अपडेट जानिए एबीपी न्यूज पर। दरभंगा के एसएसपी ने इस हत्या की पुष्टि भी कर दी है। एक बार फिर यह बड़ी अपडेट, वीआईपी चीफ मुकेश सहनी, उनके पिता का मर्डर हुआ है, उनके पिता की हत्या की गई है बिहार के दरभंगा में। घर में हत्या हुई है, घर में शतविशत जो शरीर है वो पाया गया है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी, उनकी हत्या हुई है और दरभंगा के एसएसपी ने इसकी पुष्टि भी की है। आपको याद दिला दूं, जब चुनाव चल रहे थे तो मुकेश सहनी जो लगातार तेजस्वी यादव के साथ उनके वीडियोस भी आ रहे थे, आपको याद होंगे, उनके पिता जो हैं उनकी हत्या हुई है। वो मंत्री भी रह चुके हैं बिहार में। और ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, दरभंगा में हुई है, घर में घुसकर हुई है। उनके पिता का नाम, मुकेश सहनी के पिता का नाम जीतन सहनी है, उनकी हत्या हुई है। हालांकि हत्या के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है कि किन कारणों की वजह से ये हत्या हुई है, किन लोगों ने हत्या की है, अभी इस पर भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। जैसे आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। लेकिन बिहार में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या कर दी गई है। घर में उनका शव मिला है और दरभंगा के एसएसपी ने इस हत्या की पुष्टि भी कर दी है। लेकिन यह हत्या किन कारणों से हुई है, क्या वजह इसके पीछे रही है और कैसे ये हत्या हुई, कब हुई, हालांकि ये समय भी सामने नहीं, अभी शतविशत जो शरीर है वो बताया जा रहा है कि मिला है, ये हत्या किन कारणों से हुई, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। कितने बजे हुई है हत्या, कब हुई है हत्या, इसका भी पता नहीं चल पाया है। हत्या हुई है इस बात को दरभंगा के एसएसपी ने कंफर्म कर दिया है। और वही बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि बिहार में मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई है, दरभंगा में हुई है, घर में घुसकर यह हत्या की गई है। मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हुआ, दरभंगा में घर में घुसकर यह हत्या की गई, जीतन सहनी उनका नाम था, एसएसपी ने हत्या की पुष्टि भी कर दी है। तो ये बड़ा अपडेट बिहार के प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाता ये पूरा घटनाक्रम, ये पूरी खबर एक बार फिर से इस बात को सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो नीतीश कुमार जो आज भी बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो सुशासन बाबू कहे जाते थे और जो बिहार में प्रशासन और सुशासन को लेकर ही सरकार में आए थे, यही मुद्दा बनाया था कि जंगल राज नहीं चलेगा, उन्हीं की सरकार है और उसी के अंदर वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता का मर्डर हो जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल बनता है, उठता है, जो पूछे जाएंगे ये सवाल कि आखिर किस तरह का सुशासन चल रहा है बिहार में। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, कहीं राजधानी में किसी को गोली मार दी गई, कहीं जाके रंगदारी मांग दी गई, कहीं बिहार के किसी जिले में बस स्टैंड में फायरिंग हो गई, और अभी जो खबर सबसे अहम और सबसे बड़ी कि बिहार के दरभंगा में वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के पिता, उनका मर्डर हुआ है, घर में हत्या हुई है, मुकेश सहनी के जो पिता हैं जीतन सहनी, उनकी हत्या की गई है और एसएसपी ने इस हत्या की पुष्टि भी कर दी है। किन कारणों से यह हत्या हुई है, क्या वजह रही है, अभी इसका खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन हत्या उन्हीं के घर में हुई है यह बताया जा रहा है। दरभंगा में उनके घर में हत्या हुई है। हम आपको यह भी बता दें कि ये जो जीतन सहनी हैं, इनके दो बेटे हैं, मुकेश सहनी उनमें से एक है और एक बेटी भी है, लेकिन वो वहां पर, शशांक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। शशांक, अकेले रहते थे जीतन सहनी दरभंगा में? देखिए, मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की अपराधियों ने धारदार हथियार से हत्या की है, घर में घुसकर हत्या की है और उसके बाद वो फरार हो गए हैं। दरभंगा पुलिस की तरफ से इस बात की पुष्टि कर दी गई है कि हत्या हुई है। और आपको बता दें, मुकेश सहनी मुंबई में है, जल्द पटना के लिए वो रवाना होने वाले हैं। घटना का कारण क्या है ये अब तक क्लियर नहीं हो पाया है और अपराधियों की संख्या कितनी थी ये भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है 2 से 3 की संख्या में अपराधी थे। उनके पिता का शव घर के अंदर ही छत विशिष्ट स्थिति में जो है वो मिला है। और आपको बता दूं कि पुलिस की टीम भी जो है घटनास्थल के लिए रवाना हो गई है, कुछ पुलिस अधिकारी वहां पर पहुंच भी गए हैं।
और आपको बता दें मुकेश सहनी पिछले 2 से 3 सालों में जो है मल्लाहों के बड़े नेता बनकर उभरे हैं। लोकसभा चुनाव में पार्टी 3 सीटों पर लड़ी, भले सफलता नहीं मिल पाई, तेजस्वी के साथ चुनाव में वो जमकर कैंपेन भी किए थे। तो घटना का कारण क्या है ये पता लगाने की कोशिश में जो है वो पुलिस लग गई है। और जहां तक जिनकी हत्या हुई है जीतन सहनी की, उनके बारे में बताया जा रहा है कि बहुत ही मृदु भाषी थे, गाँव में रहते थे, सभी लोगों से मिलते थे। तो घटना का कारण क्या है, क्या कोई राजनीतिक विवाद है या क्या मामला है, इस पर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। शशांक, एक और जानकारी चाहिए कि ये क्या घर में अकेले रहते थे, कोई काम करने वाला, क्योंकि ये मुकेश सहनी के पिता है तो बहुत लाजमी है कि इनकी उम्र ज्यादा थी, तो क्या ये घर में अकेले रहते थे, उस वक्त कोई नहीं था, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए मुकेश सहनी तो बाहर ही रहते हैं और उनके एक भाई है संतोष सहनी, वो भी पटना में ही रहते हैं, लेकिन परिवार के कुछ लोग जरूर साथ में रहते हैं। तो जब घटना हुई तो घर में वो लोग थे या नहीं थे, ये एक बड़ा सवाल है। इस पूरे मामले में जानकारी अभी जुटाई जा रही है। इस पर प्रशासन का आधिकारिक बयान क्या है शशांक? वो दरभंगा पुलिस की तरफ से बयान आया है कि अपराधियों ने हत्या की है, लेकिन संख्या कितनी, क्या कारण है, ये अभी पुलिस कुछ भी बताने के स्थिति में नहीं है। लेकिन ये है कि अपराधियों ने इस बड़ी घटना को अंजाम दिया और उसके बाद वो फरार हो गए हैं। अभी फिलहाल किन कारणों से ये हत्या हुई है, इसके बारे में कोई कयास अगर आपके किसी स्थानीय से बातचीत हुई हो कि क्या कारण हो सकते हैं ऐसी हत्या के? देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि हत्या का क्या कारण है ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन उनके पुत्र एक बड़े नेता है, तो क्या किसी राजनीतिक विवाद में हत्या हुई है, क्या मामला है, इस पर जो है वो जांच पुलिस की टीम कर रही है। दरभंगा के किसी अधिकारी से आपकी बात हुई क्या, पुलिस अधिकारी से या पुलिस महकमे के किसी बड़े अधिकारी से? जगुनाथ रेड्डी, उन्होंने मौत की पुष्टि की है, लेकिन अभी वो भी घटना के बारे में पूरा बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि पुलिस की कुछ टीम वहां पे पहुंची है और जो आला अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं, उसके बाद पुलिस आगे की जानकारी दे पाएगी। शशांक आप हमारे साथ बने रहिए, आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक दुखद खबर आ रही है मृत्युंजय जी कि हत्या की गई है मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की, ये किस तरह का सुशासन चल रहा है बिहार में? ये खबर बहुत ही दुखद और मर्माहत करने वाला सुबह मिला है और ये बता रहा है कि बिहार में किस तरह से अपराधी राज कायम है और ये महाजंगल राज चलाने वाले को बताना पड़ेगा। हर रोज हत्याओं का दौर है, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, ये शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो गया, अपराधियों का मनोबल। मुकेश सहनी जी, राजनेताओं के परिवार के लोग सुरक्षित नहीं हो तो फिर आम आदमी तो भगवान भरोसे है। यहाँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिस जंगल राज की बात आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते हैं, अभी क्यों चुप है? ये कौन सा राज है बिहार में, आखिर हो क्या रहा है? मुकेश सहनी जी के पिता की हत्या ये छोटी घटना नहीं है, ये बता रहा है कि बिहार में कोई सुरक्षित नहीं है, अब शासन प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं रहा है और ये घटना से हम लोग पूरी तरह से मर्माहत हैं। एक बहुत ही अत्यंत दुखद घटना ये हत्या हुई है और हम पूरे शोक संतप्त परिवार के साथ, मुकेश सहनी जी के साथ हमारी पार्टी सब लोग खड़े हैं और इस दुख की घड़ी में जिस तरह से उनके पिता की हत्या हुई है ये बेकार नहीं जाएगा, ये जंगल राज का राग लापने वालों को बताना चाहिए कि ये कौन सा राज कायम है। इस पर ये बड़ा सवाल बनता है कि बिहार सरकार कहाँ खड़ी है, नीतीश कुमार कहाँ खड़े हैं, क्योंकि जब ये सत्ता में आए थे तो सुशासन को ही मुद्दा बनाकर और सबसे ज्यादा वोट हासिल किए थे कि नहीं जंगल राज से हम छुटकारा दिलाएंगे और उन्हीं के राज में हत्या हो रही है। सुशासन तो तार तार हो गया, रोज तो आए दिन हत्या, कल भी पटना में 2 नौजवानों के 8 वर्ष 11 वर्ष के लड़के की हत्या हुई है, लगातार तो रोज हत्याओं का दौर चल रहा है सिलसिला से, एक इंजन डबल इंजन की सरकार कहते हैं, एक इंजन अपराध और एक इंजन भ्रष्टाचार है और ये डबल इंजन की सरकार की राग लापते हैं, ये क्या हो रहा है बिहार में? बहुत ही दुखद, बहुत ही अत्यंत, अब तो हम कह रहे हैं कि आम लोग तो भगवान भरोसे रह गए। जब इससे राजनेताओं के पिता की हत्या हो जा रही है तो आम लोग तो भगवान भरोसे हैं।
आरजेडी अब आगे क्या करेगी, क्योंकि वीआईपी और आरजेडी दोनों साथ साथ। अभी तुरंत समाचार दुखद मिली है, हमारे नेता, हमारी पार्टी सब मुकेश सहनी जी से बात करेंगे सब। अब तो जो भी नहीं बैठेगी, सरकार को जवाब देना होगा। आवाज ठीक से नहीं आ पा रही है, मुझे लगता है नेटवर्क। सरकार को जवाब देना होगा जी। हम लोग शांत नहीं बैठेंगे जी, सरकार को बताना होगा, सरकार को जवाब देना होगा, सरकार चुप। तो ये मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता और नेता मृत्युंजय तिवारी थे, जिन्होंने कहा है कि सरकार को जवाब देना होगा। और ये बड़ी अपडेट आ रही है वहां से कि दरभंगा में जीतन सहनी, मुकेश सहनी के जो पिता हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। शशांक मेरे सहयोगी मेरे साथ लगातार बने हुए इस खबर को विस्तार देने के लिए बता रहे हैं, अपडेट भी बता रहे हैं। मृत्युंजय तिवारी अभी जुड़े थे, उन्होंने कहा है कि घटना तो दुखद है लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल सुशासन पर भी है, और लगता है उनके बयान से कि आरजेडी इस पर बहुत घमासान करने वाली है, घेरेगी नीतीश सरकार को, एनडीए सरकार को। देखिए, एक बड़ी घटना तो है ही, मुकेश सहनी बहुत बड़े नेता हैं और इस तरह अपराधियों ने घर में घुसकर उनकी पिता की हत्या की तो कानून व्यवस्था पे तो सवाल उठेंगे ही। एनडीए की तरफ से बार बार दावा किया जाता है कि सुशासन की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, लेकिन आपको बता दूं पिछले एक साल में आप देखिएगा तो कई पुलिस वालों की भी हत्या हुई, बालू माफिया, शराब माफियाओं ने हत्या की गोली चलाकर, ट्रैक्टर से रौंद कर। तो सवाल तो लॉ एंड ऑर्डर पे लगातार पिछले एक साल से उठ रहे हैं। तो सबसे जरूरी यही है कि घटना क्यों हुई और जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उसको पुलिस पकड़े, एसएसपी भी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। लेकिन बिहार में एक ये बहुत बड़ी घटना हुई है और मुकेश सहनी के पिता की जिस तरह से हत्या हुई है, अब इस पूरे मामले पर विपक्ष जो है जरूर सरकार को घेरेगा। और आपको बता दें, गृह विभाग नीतीश के पास है, एनडीए सरकार की तरफ से कहा जाता है कि सुशासन की सरकार है, अपराधियों को सजा मिलती है, कोई घटना हो नहीं रही, लेकिन आए दिन बिहार में बड़ी घटनाएं हो रही है जिसका ताजा उदाहरण ये है। बिहार में घटनाओं की यू कहिए कि सीरीज चल रही है, जैसे आपने इसमें जोड़ दिया ये बालू माफिया, हर जगह पर जहां भी जो जिले नदी के किनारे आते हैं वहां पर देखिएगा कि बालू माफिया अनियंत्रित हुए पड़े हैं, कभी भी फायरिंग हो जाती है, कभी भी कट्टा निकल जाता है, कभी भी कुछ हो जाता है, कब किस बस स्टैंड में फायरिंग हो जाए, आप वहां पे बस पकड़ने के लिए गए इस बात की कोई गारंटी नहीं है, कब आके बाइक पर कोई हेलमेट पहन के आपको मार के चला जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। तो ये बड़ा सवाल नीतीश कुमार की सरकार पर बनता है कि आखिर जिस लॉ एंड ऑर्डर को आप मुद्दा बनाकर आए थे और उसी पर आप कायम नहीं है। इस जानकारी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया शशांक, बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि दरभंगा में मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हो गई है। अपडेट जैसे जैसे आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।